हमारा ब्रह्मांड जिसमें अनेकों तारे हैं, जिसमें से एक तारा हमारा सूरज है। एक समय था जब हम सूरज को सबसे बड़ा तारा मानते थे, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों को नए तारों के बारे में पता लगने लगा और उसके साथ ही हमें ब्रह्मांड और उसकी विशालता के बारे में भी पता चला। ये समय था सन 1860 का, जब कुछ जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा की गई खोज में उन्होंने एक तारे को देखा जिसका नाम BD125055 रखा गया। लेकिन जब इस तारे को अगली बार देखा गया तो इसका नाम बदलकर UY स्कूटी रख दिया गया। दोस्तों, UY स्कूटी हमारे ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा है। ये तारा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही है। ये तारा हमारी पृथ्वी से लगभग 9500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। UY स्कूटी हमारे सूरज से करीब 5 बिलियन गुना बड़ा है। ये तारा इतना विशाल है कि अगर इसे हमारे सूर्यमंडल के बीचों बीच रखा जाए तो ये तकरीबन जुपिटर तक फैल जाएगा। UY स्कूटी का रेडियस हमारे सूरज के रेडियस से 1708 गुना ज़्यादा है। अब आप इसकी विशालता के बारे में तो जान ही गए होंगे। स्कूटम नक्षत्र में स्थित UY स्कूटी एक परिवर्तनशील तारा है। इसकी चमक हमेशा एक समान नहीं रहती। एक लाल रंग का सुपर जाइंट होने के कारण UY स्कूटी की चमक बहुत अधिक है, जो करीब 3,40,000 सोलर चमक के बराबर है। UY स्कूटी तारा मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर में स्थित तीन बड़े तारों में ये सबसे बड़ा तारा था। इसके आकार का अंदाजा और एक तरीके से लगा सकते हैं जैसे कोई चीज रोशनी की गति से UY स्कूटी का चक्कर लगाती है तो उसे भी एक चक्कर पूरा करने में तकरीबन 8 घंटे लग जाएंगे। लेकिन उसी चीज को हमारे सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में केवल 14.5 सेकंड का ही समय लगेगा। UY स्कूटी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी हम इसके मास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, लेकिन कुछ अनुमान के अनुसार इसके जन्म के समय इसका मास 40 सोलर मैसेस के बराबर रहा होगा, जो शायद घटते घटते 7 से 10 सोलर मैसेस जितना ही रह गया। अब बात करते हैं इसके तापमान की। इसके तापमान का इसकी विशालता से कोई भी मेल नहीं। यहाँ इसका आकार इतना विशाल है, वहीं इसका तापमान केवल 3000 डिग्री सेल्सियस ही है, जबकि हमारे सूरज का तापमान 5505 डिग्री सेल्सियस है। आकाश का कोई भी तारा हो या हमारी धरती, इन सब का अंत तय है। जब UY स्कूटी का अंत होगा तो इसकी विशालता के कारण सुपरनोवा जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। सुपरनोवा के बाद UY स्कूटी एक ब्लैक होल में भी तब्दील हो सकता है, लेकिन इसके कारण हमारी धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारी धरती से बहुत ही दूर है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल यूनिवर्स नॉलेज इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ